What's up guys, this is Guru Maan. आज मैं आपको ब्लड डोनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ. लोग पूछते हैं कि क्या हम ब्लड डोनेट करवा सकते हैं, हमें कुछ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे, क्या हम इसके बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या ये हेल्दी है या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं. ब्लड डोनेशन गाइस, ब्लड डोनेशन की जाती है जस्ट टू हेल्प अदर्स. अगर सोचें तो हम ब्लड डोनेट क्यों करवाते हैं, शायद हमारे उस खून की किसी को ज़रूरत हो जिससे हम किसी की जान बचा सकते हैं. तो ब्लड डोनेशन जो कैंप्स होते हैं वहाँ पर ब्लड डोनेशन होता है, बहुत लोग करते हैं, इंडिया के अंदर भी, वर्ल्ड वाइड होता है. डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के ऊपर. हम बात करेंगे क्या ये हेल्दी है या नहीं है. वेल, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो क्या होता है कि अगर आप हेल्दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड डोनेशन से पहले आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है. मेडिकल प्रोफेशनल एक्सपर्ट बंदा जो है वो आपका ब्लड टेस्ट करता है, वो मेक श्योर करता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई डिजीज ना हो, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, लाइक डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फ्लू, एड्स, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तभी आपका वहाँ पर ब्लड डोनेट में एलिजिबल होते हैं आप. क्योंकि हर कोई ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो ब्लड किसी और के लिए सही नहीं है. सो जब मेडिकल एग्जामिन के बाद पता चलता है कि आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कोई कोलेस्ट्रॉल की, डायबिटीज़ की, सो उसके बेस के ऊपर आप वहाँ पर ब्लड डोनेट करते हैं. नाउ बहुत से लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं अपने लिए खुद रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप ब्लड डोनेट कर अपने लिए खुद सेव कर सकते हैं, ताकि कल को कभी भगवान ना करे आपको ज़रूरत पड़े तो आपके पास आपका ही ब्लड किया हुआ डोनेट जो है वो आपके पास वापस आपको मिल सकता है. तो आप ब्लड बैंक्स होते हैं, वहाँ पर आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं बैकअप के लिए. अगर आपका ब्लड ग्रुप काफ़ी रेयर है जो बहुत ही कम मिलता है, तो आप अपना ब्लड सेव करके रखें बैकअप के लिए, आपके ही काम आएगा. बाकी आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं, अगर आप अपने लिए नहीं तो लोगों के लिए करना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू. वेल, ब्लड डोनेशन हेल्दी होता है, इट इज़ डेफिनेटली हेल्दी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि इसका फ़ायदा बताता हूँ. जैसे आपकी हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कंजम्पशन अगर ज़्यादा हो जाए, अगर हमारी आयरन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, हमारी बॉडी के अंदर आयरन लेवल बढ़ जाए, आयरन एक मिनरल है, जब हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा आयरन बने उसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है. ज़्यादा आयरन से, क्योंकि आयरन आपका कहाँ पर स्टोर होता है आपको मालूम होना चाहिए. आपका आयरन आपके हार्ट में स्टोर होता है, लिवर में होता है, पैनक्रियाज में होता है. तो ज़्यादा अगर आयरन आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हुआ तो आपके हार्ट का भी खतरा है, लिवर का भी खतरा है डैमेज होने का, पैनक्रियाज का भी. तो जब आपकी बॉडी ओवर एक्सेस जो मिनरल है, आयरन आपकी बॉडी के अंदर बनता है, तो डोनेशन करने से, ब्लड डोनेट करने से कि ज़्यादा मिनरल आपकी बॉडी में जो बना है वो ओवरलोड जो है उससे आपको तकरीबन राहत मिलती है. नंबर दो गाइस, जैसे अभी आपको मैंने बताया है लिवर का या हार्ट का, आपका हार्ट और लिवर हेल्दी होता है. क्यों? क्योंकि ज़्यादा ओवरलोडिंग से आपका लिवर डैमेज होने का खतरा है. ज़्यादा आयरन आपकी बॉडी के अंदर बने तो आपको वहाँ पर ज़्यादा लिवर डैमेज का भी खतरा है. हार्ट प्रॉब्लम, बहुत से लोगों को स्पेशली कैंसर, ब्लड डोनेशन से आपको यहाँ पर कैंसर वगैरह जो रिस्क है वो कम होता है कैंसर का, क्योंकि ज़्यादा आयरन आपके लिवर कैंसर कॉज करता है. अक्सर लोगों में लिवर की प्रॉब्लम, लिवर कैंसर या डायबिटिक होने का जो खतरा है वो कम होता है. सो ब्लड डोनेशन का सेकंड ये फ़ायदा भी है आपको. और जैसे आपको मालूम है, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी बॉडी से, ब्लड डोनेट करने के बाद आपकी बॉडी से जो ब्लड लॉस है उसको रिप्लेनिश करती है आपकी बॉडी. मतलब है कि आपकी बॉडी में नए ब्लड सेल बनते हैं, ये आपको प्लस है. वो तभी बनेंगे, क्यों, क्या हुआ कि जब आपने ब्लड डोनेट किया आपकी बॉडी से, योर बॉडी रिप्लेनिश द ब्लड लॉस, और उससे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स. नाउ बात करते हैं कि क्या हमें करना चाहिए. जैसे मैं बताया, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के ऊपर. अगर आप हेल्दी हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर. नाउ मैं रेगुलर बोल रहा हूँ तो कितनी बार कर सकते हैं, लोग पूछते हैं. आप लगभग हर 4 महीने के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ये सेफ है आपके लिए अगर आप हेल्दी हैं. 6 महीने के बाद करें तो परफेक्ट है. मतलब हर 6 महीने के बाद आप एक पिंट
ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एक पिंट मतलब जो एक पिंट में क्या होता है 470 मिलीलीटर ब्लड होता है, तो वो आप सेव कर सकते हैं। वो एक पिंट से आप 3 जान बचा सकते हैं 3 लोगों की। सो इट्स प्री हेल्दी इन दैट टर्म और लाइफ सेवर भी। सो क्या हर कोई ब्लड डोनेट कर सकता है? ये अगेन डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर आप हेल्दी हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, आपको कोल्ड फ्लू या कोई वायरल वगैरह नहीं हुआ है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, ब्लड लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा है, तो आप हेल्दी है, कर सकते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड लेवल ऑलरेडी आपके बॉडी के अंदर कम है, तो आप ब्लड देने जा रहे हैं तो उल्टा आपको बॉटल वहाँ पर चढ़ेगी। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है, जब आपका एग्जामिन होता है मेडिकल एग्जामिन के बाद आपको पता, डॉक्टर बताते हैं कि यस यू कैन डोनेट, डेफिनेटली डोनेट अ ब्लड, एंड उस समय आप डोनेट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर एग्जामिन में फेल होते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। सो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। तो जैसा कि लोग पूछते हैं, क्या मैं ब्लड डोनेट करने के बाद वर्कआउट कर सकता हूँ? मेरी एडवाइस है नहीं। आप 24 घंटे तक वर्कआउट ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी से आयरन कम हुआ है और आपका ब्लड सर्कुलेशन लेवल थोड़ा सा आपका ड्रॉप होगा। आपका वहाँ पर क्या होगा, वीकनेस आप महसूस करेंगे, लेकिन वीकनेस होगी नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी से एक पिंट कम हुआ है, ऑलमोस्ट 10वां हिस्सा बॉडी से ब्लड निकला है। तो जिसको रिकवरी के लिए आप 24 घंटे का टाइम दें, और उस 24 घंटे के अंदर आप आयरन रिच फूड का इस्तेमाल करें, खाएं। बहुत ज़रूरी है कि आपने 24 घंटे के अंदर आपने आयरन रिच फूड लेना है। फिश है, चिकन है, एग्स है, यू नो बीन्स है, स्पिनच है, अपनी डाइट में ऐड करें। आप पीनट बटर है, यू नो नट्स है, रेजन्स है, अपनी डाइट में ऐड करें। और इसके साथ आप ऑरेंजेस एंड लेमन का इस्तेमाल करें, मतलब विटामिन सी रिच फूड ऐड करें, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ पहले वीडियो में भी कि विटामिन सी जो है वो आयरन को अब्जॉर्ब करता है, हेल्प्स टू अब्जॉर्ब आयरन, नहीं तो आपका आयरन अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो आयरन की अब्जॉर्बन के लिए आपको वहाँ पर विटामिन सी ऐड करना पड़ेगा, मतलब ऑरेंज वगैरह। तो 24 घंटे के अंदर आप ऑरेंज जूस वगैरह बहुत अच्छा है, आप वहाँ पर अनार का जूस ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ मैंने नट्स वगैरह ऐड बोले हैं वो आप खाएं, और 24 घंटे के बाद अपनी वर्कआउट शुरू करें दोबारा, तो वो आपके लिए हेल्दी। अगर आप एथलीट हैं, रनिंग करते हैं, तो आप 24 घंटे के बाद अपनी प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर सकते हैं। 24 घंटे आप रेस्ट दें तो डेफिनेटली इट्स हेल्दी। एक पिंट आप बॉटल दे सकते हैं, साल में लगभग 2 बार डोनेट कर सकते हैं, हर 6 महीने के बाद। एक पिंट का मतलब है 470 ml समवेयर अराउंड दैट, और इट्स हेल्दी है आपके नए ब्लड न्यू ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए। उसके साथ आपकी जो कैंसर का खतरा है वो कम होगा, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्दी है। अगर ज़्यादा ओवरलोड आपकी बॉडी के अंदर आयरन का है तो वो आपका बैलेंस होगा। सो गाइस, ओवरऑल ब्लड डोनेशन हेल्दी है, आप करवा सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी है। आपके ब्लड डोनेट करने से अगर किसी की जान बचती है तो बिल्कुल आपके लिए हेल्दी है वो। अगर किसी मिलियनेयर के पास इतना पैसा हो, थोड़ा सा पैसा वो डोनेट कर दे, तो क्या वो गरीब हो जाएगा? नहीं, उससे बहुत से लोगों का घर बच सकता है। सो बेसिकली कोई भी चीज़ लिमिटेशन में हो तो ख़राब नहीं करेगी। सो आप अपना ब्लड अपने लिए सेव कर सकते हैं, या आप दूसरे लोगों के हेल्प के लिए सेव कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी गुरुमान की इन्फॉर्मेशन आपके लिए। होप यू गॉट द इन्फॉर्मेशन। टेक केयर गाइस, दिस इज गुरुमान, ओवर एंड आउट। बाय।